नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो शिक्षक भर्ती में अब त्रिकोण लड़ाई है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर शुक्रवार को आए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद से त्रिकोणी लड़ाई के हालात बन गए हैं। एक पक्ष अनारक्षित वर्ग के उन शिक्षकों का है जो नौकरी कर रहे हैं। वैसे तो बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने पिछले 2.5 साल में इन प्रभावित शिक्षकों की सूची जारी नहीं की, लेकिन शुक्रवार के फैसले के बाद अब अनारक्षित वर्ग के शिक्षक एकजुट होने लगे हैं और इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी है। दूसरा पक्ष आरक्षित वर्ग के हैं, 6800 अभ्यर्थियों के हैं, जिनकी सूची प्रदेश सरकार ने विधानसभा से चुनाव से ठीक पहले 5 जनवरी 2022 को जारी की थी। 6800 के अभ्यर्थियों की सूची हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच दो बार निरस्त कर चुकी है। 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच ने 6800 की सूची तो निरस्त की थी, लेकिन अनारक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों के समायोजन की नीति बनाने का आदेश दिया जो वर्तमान सूची में शामिल है, 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन पुनरक्षित सूची जारी होने पर बाहर हो सकते हैं। अभी ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के कैवियट दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा 95 अभ्यर्थियों का जो इन भर्ती में 89,000 रुपये घोटाले की बात कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27.86% ही आरक्षण मिला है, लगभग 4%, वहीं अनुसूचित को 21.16% आरक्षण दिया गया है। तो ये त्रिकोणीय युद्ध अभी भी चलेगा। सपा ने लोकसभा चुनाव में झूठ बोला, साइकिल पंचर हो गई है, टायर फट गया है, वो सब ही जाएगी। सपा बहादुर कांग्रेस मोहरा अखिलेश यादव का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है, ये कहा किशोर प्रसाद मौर्य। दुनिया भर में 2 अरब लोगों को नहीं मिला पौष्टिक आहार। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे अच्छे सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुलेपन से तारीफ की। मजबूत विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता दुनिया में नहीं है, इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री देश में नहीं है। जब इतने अच्छे नेता काम करें तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना। स्वतंत्र भारत के इतिहास देखा जाए तो भाजपा सरकार सबसे अच्छा काम करी। डॉक्टर विनोद बिंद के भदोही से सांसद बनने के बाद मजबूत विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव होना, इसका प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य जी बनाए गए हैं। वहीं शिक्षक अभ्यर्थी को न्याय न दे सकते तो छोड़ दे सत्ता, ही अखिलेश यादव कह रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में रास्ता नहीं निकाल सकते हैं और पिछड़े दलित के वर्ग के अभ्यर्थियों का न्याय नहीं दिला सकते तो छोड़ दे, जबकि कल मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, जबकि अखिलेश यादव सत्ता छोड़ने के लिए कह रहे हैं। एनडीए वंचित के हक पर डाका डाल दी, लालू प्रसाद यादव ने कहा केंद्र सरकार का फैसला सही नहीं। मायावती जी ने कहा 2 अक्टूबर से आंदोलन करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा। शिक्षा विभाग को भाजपा अपनी आपसी लड़ाई और नकारात्मक राजनीति से दूर रखे क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश कई साल पीछे चला जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद पर तंग करते हुए कहा, दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो फैसला आया, आपको बता दें शिक्षक भर्ती की नई सूची बनेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या में रविवार को टैबलेट वितरित करते मुख्यमंत्री छात्रा से बातचीत करते हुए तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अयोध्या का लगातार बदनाम कर रहा है विपक्ष, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। कोर्ट जा सकते हैं अनारक्षित अभ्यर्थी, जबकि सरकार ने कोर्ट जाने से सुप्रीम कोर्ट साफ इनकार कर दिया है, यानी कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी। आपको बता दें आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मैटर, TIR 3 का आंसर कि सोमवार को 69,000 शिक्षक भर्ती में नई सूची लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया नहीं जाएंगे। कट ऑफ आपको बता ही दिए कि कट ऑफ जो है, देखिए अनारक्षित का कितना था, 67.11 था, OBC का कितना था, 66.73 था। अभी देखिए कट ऑफ यहाँ पर दिया भी गया है, देखिए 66.73 67.11। अब यूपी में कम हो सकती है बिजली की दर, संघर्ष करने वाले पिछड़े व दलित वर्ग के पात्रों की हुई जीत, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। आरक्षित वर्ग के पीड़ित को न्याय मिलना सुनिश्चित हो, मायावती जी ने कहा। आरक्षण विरोधी एक भाजपा एक कांग्रेस ने कहा, जबकि आरक्षण समर्थक है भाजपा, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। 69,000 शिक्षक भर्ती में अफसरों ने दबा दी बाहर होने वाले की सूची, तो हाईकोर्ट के आदेश का संघर्ष का परिणाम अखिलेश यादव ने कहा। उच्च न्यायालय के फैसला आरक्षण व्यवस्था खिलाफ करने वाली भाजपा की सरकार की साजिश का करा जवाब है, ये कहा राहुल गांधी ने। साफ हो गया कि राज्य सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती मंजूरी नहीं पहचाने की, मायावती जी ने कहा। PSJ मुख्य परीक्षा 2022 के संशोधित परिणाम में 5 अभ्यर्थी सफल, PSJ चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर भी लटकी तलवार, 6,752 युवाओं को नौकरी, 13,866 को मिले टैबलेट, सिपाही भर्ती में 5 मिनट अतिरिक्त समय, 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट पर योगी सरकार की जो बैठक हुई थी, अब निर्णय लिया गया कि नहीं जाएगी कोर्ट। यहाँ पे देख लीजिए यही है कट ऑफ, 6800 की सूची तो रद्दी हो गई थी। भारत चीन के लिए साउथ एशिया बनता जा रहा है जंग का खड़ा, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पिछले भ्रष्टाचार की,
पुलिस में 20% बेटियों की भर्ती होगी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा 9000 शिक्षक भर्ती किसी के साथ अन्याय ना हो, सरकार जल्द से जल्द इन लोगों को भी नियुक्ति पद वितरण करने के लिए जो मार्ग निकाल रही है। तो 9000 शिक्षक भर्ती सरकार का स्पष्ट तेज विकल्प की तलाश, मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ मंथन जारी था, आरक्षण मुद्दे पर विपक्षी दे रहे थे सियासत को उधर, 5000 से ज़्यादा यहाँ को प्रभावित होने की संभावना भी है। तो मुख्यमंत्री जी रविवार को होने वाली बैठक में अब रास्ता निकाल लिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जल्द ही हम इन अन्याय किए गए अधिकारियों के द्वारा भर्ती जो बाहर थे उन्हें नियुक्ति दे करके सम्मानित करेंगे। इसी माह मिल सकता है शिक्षा चयन आयोग को अध्यक्ष, जबकि शिक्षक सूची नए सिरे से बनाने का आदेश, 69000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश है, ये 3 माह में नई सूची बनाने का था तो जो शुरू हो चुका है। 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी की सूची खारिज होने के बाद फिर एक बार आदेश दे दिया गया जिसे सरकार मान गई। 69000 शिक्षक भर्ती का विवरण था, 69000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द होने के बाद 1981 नियमावली और 1994 को उल्लंघन माना था। आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 69000 शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। मामले में कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया जिसमें आरक्षण के नियम और बेसिक शिक्षा नियम का पालन करने को कहा गया। हालांकि सरकार ने भर्ती नियमानुसार होने की बात कही थी, अब कोर्ट ने सूची जारी करने का आदेश दिया है। बता दें आपको 69000 शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण घोटाला को लेकर लखनऊ की डबल बेंच ने 12 अगस्त को आदेश सुनाया था, आज उसी आदेश को जारी कर दिया गया। इसमें हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण घोटाले को सही मानते हुए 69000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को रद्द करते हुए बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करते हुए पूरी लिस्ट को नए सिरे से 3 महीने के अंदर बनाने का उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची में 6800 अभ्यर्थियों को 5 जनवरी 2020 की चयन सूची को दरकिनार करते हुए नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया। न्यायालय ने इस संबंध में 13 मार्च 2023 को एकलपीठ के आदेश की संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया कि समान श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समान श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों 2020 से इस भर्ती में 19000 सीट पर हुए आरक्षण घोटाले की बात कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती में आरक्षण घोटाले को नकार रही थी, जबकि अधिकारियों के द्वारा गलत निर्णय के कारण कई अभ्यर्थी बाहर हो गए। 69000 से जगह पूरी लिस्ट रद्द करते हुए आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों के हित में फैसला, इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को कुल 27% की जगह सिर्फ 3.86% ही मिला था, जबकि एससी को 21 की जगह 16.2 मिला था। 1981 तथा 1994 के नियमावली के जो उल्लंघन है, नौकरी के नाम पर 10 लाख की ठगी, प्रवक्ता नामजद, शहरों में बेरोजगारी दर 6.6%, पैरालंपिक में शिरकत करेंगी 32 महिलाएँ, 3 खेलों में पहली बार हिस्सा लेगा भारत। शिक्षक भर्ती की मेरिट फिर जारी करें, हाई कोर्ट ने कहा है, और जनरल के बराबर मार्क्स तो कोटा वर्ग से माइग्रेट करें, डबल बेंच ने ये भी कहा। वर्तमान में जो आरक्षण उसे इंतजार देने को कहा। जम्मू कश्मीर में 3 जबकि हरियाणा में 3 फेज में होगी वोटिंग, 90 सीट वहाँ भी है, 90 सीट हरियाणा में भी है। तिरंगा पर कुरान की आयतें लिखना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट ने केस रद्द करने से इनकार कर दिया। वन डीजल को लेकर के बीपीएससी का घेराव कर रहे शिक्षक भर्ती पर चली लाठी, 92 प्रोफेसर की नियुक्ति में 30 करोड़ रुपए की वसूली, धर्मनिरपेक्ष नागरिकता संहिता जरूरी, अगले 5 वर्ष में देश के मेडिकल में 75,000 नई सीटें जोड़ेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर सप्ताह में 74 घंटे से अधिक नाकाम लिए जाए, हॉकी टीम ने पीएम को भेंट की हस्ताक्षर वाली स्टिक, जबकि जैविक खाद्यान्न बास्केट बन सकता है भारत, धरती की निगरानी के लिए EOSR का प्रक्षेपण भारत ने कर दिया है, बांग्लादेश की घटनाओं से आज़ादी का महत्व पता चलता है, CGI ने कहा, डिजाइन क्षेत्र में भारत के पास हुनर का भंडार है, ये मोदी जी ने कहा, रूस से भारत ने 2.8 करोड़ रुपए कच्चे माल का निर्यात किया, ये रिपोर्ट आई है कि 2.8 अरब डॉलर रुपये का तेल मंगाया, WHO ने एमपॉक्स फिर घोषित किया वैश्विक आपातकाल। तो आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को एम पॉक्स की स्थिति को फिर वैश्विक सार्वजनिक अवकाश स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। बता दें कांगो में इस वायरस के प्रकोप के बाद यह फैसला लिया गया, एम पॉक्स संक्रमण खतरनाक दूर से फैल रहा है, इस वर्ष 17,000 से अधिक मामले में 500 मौत में अधिकतर कांगो में हुआ है। आपको बता दें कि 2 वर्षों में दूसरी बार एम पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित कर दिया गया है, यह बीमारी कांगो सहित 13 अफ्रीकी देश में फैला, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कानून के अंतर्गत इस प्रकोप को लेकर चेतावनी जारी की गई है, इसमें WHO के महानिदेशक टेड्रोस
अदामन ग्रीसस ने कहा आपातकालीन समय मुझे सलाह दी कि इस पास की स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। एम पास जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना था, संक्रमण वायरल लोग इसमें लक्षण में दाने निकलने, फपोली बनना, बुखार शामिल है। तो ये होता कहाँ, कांगो है, बुरंडी है, केन्या, रवांडा, युगांडा। और UCC विवाह तलाक उत्तराधिकारी ने सबके लिए सब। अग्नि मिसाइल के जनक माने जाने वाले राम नारायण अग्रवाल नहीं रहे। बिहार में 2025 उपचुनाव के चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देंगे नीतीश कुमार, CM ने कहा गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद कि 12 लाख नौकरी देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वहीं सिविल कोड पर PM की किलेबंदी, जबकि विजेताओं का स्वागत, PM ने पेरिस ओलंपिक में मेडल लेकर लौटे भारतीय दल से अपने आवास में मुलाकात की। निशानेबाज मनु भाकर ने उन्हें अपनी पिक्चर देखी जिसे उन्हें 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे।